आज अहमद फराज की दो गजलों के चार चार अशआर लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले गजल के अशआर हैं कि नज़र की धूप में साए घुले हैं शब की तरह, मैं कब उदास नहीं था मगर ना अब की तरह। फिर आज शहर तमन्ना के रह गुजारों से गुजर रहे हैं कई लोग रोज़ो शब की तरह। फसुरदगी है मगर वजह गम नहीं मालूम, कि दिल पे बोझ सा है रंज बेसबब की तरह। खिले तो आपके भी गुलशन में फूल हैं, लेकिन न मेरे ज़ख्म की सूरत न तेरे लब की तरह। और दूसरी गज़ल है कि ताना जन क्यों है मेरी बेसरो सामानी पर, एक नज़र डाल ज़रा शहर की वीरानी पर। वाइजो मैंने भी इंसान की इबादत की है, पर कोई नक्श नहीं है मेरी पेशानी पर। वक्त रुकता ही नहीं, ख्वाब ठहरते ही नहीं, पाँव जमते ही नहीं बहते हुए पानी पर। कश्तिये जा है कि डूबे ही चली जाती है फराज, कश्तिये जा है कि डूबे चली जाती है फराज, और अभी दर्द का दरिया नहीं तुगयानी पर। नज़र की धूप में साए घुले हैं शब की तरह। नज़र में तो चांदनी घुलती है, जो करम की नज़र होती है, जो मेहरबानी की नज़र होती है। तो नज़र की धूप में, यहाँ नज़र की धूप का जिक्र है कि नज़र की धूप में साए घुले हैं शब की तरह। नज़र की जो रोशनी है, जो चमक है, उसमें साए घुल गए हैं, रात के साए घुल गए हैं, वो रोशनी बाकी न रही। नज़र की धूप में साए घुले हैं शब की तरह, मैं कब उदास नहीं था मगर ना अब की तरह। मैं तो उदास हमेशा से रहा हूँ, मैं तो मीर की तरह हमेशा उदास ही रहा हूँ, लेकिन अब की बार जो उदासी का दौरा पड़ा है, ये कुछ और है, ये कुछ और सवा है। अब की तरह मैं कभी उदास नहीं हुआ। तो नज़र की धूप में साए घुले हैं शब की तरह, मैं कब उदास नहीं था मगर ना अब की तरह। फिर आज शायर तमन्ना के रह गुजारों से गुजर रहे हैं कई लोग रोज़ो शब की तरह। तमन्नाओं के रह गुजर याद करने बैठे होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, इनके दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, उनको याद करने बैठे हैं। कुछ होंगे, कुछ गुजर चुके होंगे, तो फिर आज शायर तमन्ना के रह गुजारों से, उन्हीं याद के रह गुजारों पर गुजर रहे हैं कई लोग रोज़ो शब की तरह। फसुरदगी है मगर वजह गम नहीं मालूम, दिल पर गम का एक बोझ है, लेकिन गम की वजह क्या नहीं मालूम, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ख़ास वजह क्या थी, ख़ास गम क्या जिसकी वजह से मैं बिल्कुल गमजदा हूँ। फसुरदगी है मगर वजह गम नहीं मालूम, ये दिल पर बोझ सा है रंज बेसबब की तरह। दिल पर लेकिन एक बोझ सा है, रंज तो है लेकिन बेसबब, कोई वजह नहीं मालूम है कि क्यों इतना रंजीदा है। खिले हैं आपके भी गुलशन में फूल हैं, खिले तो आपके भी गुलशन में फूल हैं, लेकिन इस बार भी जो बाहर आई है तो गुलशन में फूल तो बहुत सारे खिल गए हैं। लेकिन जो फूलों की दो किस्में ख़ास होती हैं, एक ज़ख्म की और एक लब की। न मेरे ज़ख्म की सूरत न तेरे लब की तरह, न तो ये खिले हुए गुलशन में खिले हुए फूल, न तो ये मेरे दिल के ज़ख्म की तरह हैं बिल्कुल लालाजार, और ना ही तेरे लब की तरह हैं बिल्कुल दहकते हुए होठ की तरह, वैसा भी नहीं है। खिले हैं आपके तो खिले तो आपके भी गुलशन में फूल हैं, लेकिन न मेरे ज़ख्म की सूरत न तेरे लब की तरह। और ताना जन क्यों है मेरी बेसरो सामानी पर, मैं तो बेसरो सामान, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, कोई सामान मेरे पास जीने का नहीं है, तो मुझे ताना क्यों दे रहे हो मेरे बेसरो सामानी पर। एक नज़र डाल ज़रा शहर की वीरानी पर, तुझे शहर की वीरानी दिखाई नहीं देती, मेरी वीरानी, मेरी बर्बादी तुझे दिख रही है। शहर का हाल भी देख, लोग किस तरह जी रहे हैं, वो तो मुझसे भी ज़्यादा वीरान है, मुझसे भी ज़्यादा लुटा पिटा हुआ है। ताना जन क्यों है मेरी बेसरो सामानी पर, एक नज़र डाल ज़रा शहर की वीरानी पर। वाइजो मैंने भी इंसान की इबादत की है, पर कोई नक्श नहीं है मेरी पेशानी पर। तू तो अल्लाह की इबादत करता है ना, तेरी पेशानी पर नक्श आ जाता है, धब्बा सा आ जाता है, ये निशानी होती है कि तू इबादत गुजार है, सजदा गुजार है। तो वाइजो मैंने भी इंसान की इबादत, मैंने भी उसके मखलूक की इबादत की है, पर कोई नक्श नहीं है मेरी पेशानी पर। वक्त रुकता ही नहीं, ख्वाब ठहरते ही नहीं, ना तो वक्त रुकता है और ना ख्वाबों का सिलसिला रुकता है। तो वक्त रुकता ही नहीं, ख्वाब ठहरते ही नहीं, पाँव जमते ही नहीं बहते हुए पानी पर। बहते हुए तेज़ अगर बहाव हो पानी का, वहाँ आप खड़े रहना चाहें तो नहीं रह पाएंगे, वो बहा ले जाएगा। तो वक्त भी बहते हुए दरिया ही की तरह तो है, आप चाहे खड़े रहो चाहे आप चलते रहो, वक्त को गुजरना है वो गुजर जाएगा। वक्त रुकता ही नहीं, ख्वाब ठहरते ही नहीं, पाँव जमते ही नहीं बहते हुए पानी पर। कश्तिये जाँ है कि डूबी चली जाती है फराज, कश्तिये जाँ, अंजाम तो यही है, एक दिन इसे कश्ती को डूब जाना है। कश्ती जहाँ है कि डूबे चली जाती है फराज, और अभी दर्द का दरिया नहीं तुगयानी पर।
और अभी दर्द का दर्द का दरिया भी बहुत तुम्हानी पर, बहुत शबाब पर नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई तूफान दर्द का नहीं उठा है, इस दर्द का दरिया में कोई तूफान नहीं उठा है, लेकिन कश्तियाँ जहाँ जो है वो डूबती चली जा रही है, कश्तियाँ जहाँ है कि डूबे चली जाती हैं फराब, और अभी दर्द का दरिया नहीं तुम्हानी पर। आज की वीडियो में इतना ही है। अहमद फराज की दोनों गज़लें आपको कैसी लगी हमें बता दीजिएगा। मिलते फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।